तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। तो आज हम लोग अपना साप्ताहिक करंट अफेयर जो है उसका कंटिन्यू करेंगे 8 से 14 जून का। ओके, और ये करंट अफेयर जो है वो आपको बीपीएससी प्रीलिम्स जो है उसको मेनली फोकस करके दिया गया है, साथ ही साथ बीपीएससी सीजीएल बिहार ऐसे इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम जो भी वीकली करंट अफेयर्स लाएंगे उसको 3 सेक्शन में बांटेंगे। पहला होगा नीगलेटी लेटेस्ट, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें। दूसरा जो रहेगा वो फटाफट सेक्शन रहेगा, उसमें कुछ नहीं बोलना है टाइप का रहेगा, आपको सिर्फ रटना है, याद करना है उसको। और तीसरा जो सेक्शन होगा वो जो हम लोग प्रीवियस वीक में किए थे उसका कुछ रिकैप करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, प्रीवियस वीक का भी जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं प्रीलिम्स के लिए जो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी है वो ऑलरेडी 4-5 क्लास ले भी चुका हूँ, 6 क्लास उसमें। और साथ ही साथ उसमें मैं टॉप 20 MCQ हर एक चैप्टर का देता हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम ही रहेगी, इसीलिए आप उसको जरूर बनाइएगा। मेंस के लिए जो जीएस पेपर 1 है उसका मैं हिस्ट्री का सेक्शन ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, 7 लेक्चर उसमें दे चुका हूँ, और ये बाइलिंगुअल रहेगा। हाँ, करेंट में कुछ लोग बाइलिंगुअल के लिए बोल रहे थे, मेनली मैं हिंदी का इसलिए दे रहा था कि जब मैं इंग्लिश का दे रहा था तो बहुत लोग हिंदी में बोल रहे थे, तो ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक से मैं दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल करके इसको भी दे दूंगा। आपको अगर ये सारा चाहिए सॉफ्ट कॉपी इसका, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, ये एक बहुत ही बैड न्यूज रहा बिहार इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया और भारत का जो रैंक है वो आप देख सकते हैं 190 था, सबसे लास्ट हम लोग आए हैं। खैर, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है जो हम लोग तो करेंगे इसको, गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर ध्यान दे रहा है। और हाँ, को अगर एसटीजी गोल देखेगा तो एसटीजी गोल 13 जो है वो इससे इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि एसटीजी गोल 13 जो है वो इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। तो ये डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पे रहा है, भारत का 107वां रैंक रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार के बाद आती है, ऑब्वियसली जो सबसे लास्ट देश है तो उससे पहले ही सारा देश होगा। तो एक ये है, और इस ये रिपोर्ट जो होता है वो 2 वर्ष में एक बार इसको पब्लिश किया जाता है। ओके, तो ये था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, तो हम लोगों का काम यही होता है। ओके, तो खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 7 जून को मनाया गया, और इस बार का जो थीम था वो था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। तो ये सेफ फूड बेटर, ये इंपॉर्टेंट होगा, वो आप इसको जरूर देख लीजिए। ओके, और फिर इसी के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारत में भी एक विक्की के द्वारा एक फोर्थ, इससे पहले भी 3 बार रिपोर्ट दिया गया है, चौथा रिपोर्ट दिया गया है इस बार। और इसमें जो शीर्ष में भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश राज्य था वो था तमिलनाडु, और उसके बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र। तो ये आपको जरूर याद रखना है, तमिलनाडु का नाम आप जरूर याद रखिएगा। छोटे राज्यों में गोवा जो है वो 1 नंबर पे है, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर, ना कि दिल्ली और चंडीगढ़, ये आप ध्यान दीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भी अपना केंद्र शासित प्रदेश में आता है। फिर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि प्रधानमंत्री जी खुद इसका उद्घाटन किए हैं, प्रगति मैदान में दिल्ली में हो रहा है ये। और इसका जो थीम है वो है बायोटेक स्टार्टअप नवाचार आत्मनिर्भर भारत के, तो ये आप ये लाइन जरूर याद रखिए, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर खुद इसको उद्घाटन किए हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था इंडिया के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उनके द्वारा रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में लगभग 5 दिन का काम करके 75 किलोमीटर लंबा बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाया गया, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। और ये कहां से कहां तक हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में एक पश्चिम वेस्टर्न विदर्भ में जो है वहां से अमरावती और अकोला के बीच हुआ है। ठीक है, अमरावती से अकोला के बीच, और ये कौन सा एनएच पे है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, NH 53 पे ये लोकेटेड है, जो रोड बना है। नेक्स्ट मिताली राज। मिताली राज आप ये बोल सकते हैं कि वुमेन क्रिकेट की दुनिया की ये सचिन तेंदुलकर हैं,
तो उन्होंने संन्यास ले लिया। कुल 23 वर्ष का इनका योगदान रहा भारतीय महिला क्रिकेट में। ये तीनों फॉर्मेट में कैप्टनशिप कर चुकी हैं और ये एकमात्र महिला प्लेयर है जो कि 10,000 से अधिक रन बनाए हैं और 6 विश्व कप, समझ सकते हैं, और 4 वर्ष साल के हर एक बार होता है, और इन्होंने 6 विश्व कप खेली है एज ए महिला क्रिकेटर। ये भी प्रथम महिला है वर्ल्ड का जो 6 विश्व कप खेली है। मिताली राज जो है वो 200 से अधिक मैच खेल चुके हैं और वो 200 से अधिक मैच खेलने वाली एकलौती महिला क्रिकेटर भी है, एक दिवसीय मैच ODI, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर दिवस, तो ये जून में 8 जून को मनाया जाता है और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के नाम से इसको जाना जाता है, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे मैं फ्रेंच ओपन का एक टेबल ही दे दिया हूँ, आप फ्रेंच ओपन की टेबल देख सकते हैं। वैसे मैं प्रीवियस वीक में भी इसको करवाया था, फिर भी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पुरुष एकल जरूर नाम याद रखेगा राफेल नडाल, और महिला एकल जो है इगा स्वीटेक, तो ये पोलैंड की है, ये याद रखिएगा। बाकी आप के सहूलियत के लिए मैं पूरा टेबल यहाँ दे दिया हूँ, बट एटलीस्ट ये दोनों नाम तो आपको याद नहीं होनी चाहिए, और अगर उससे थोड़ा अधिक याद करना चाहते हैं तो किसको हरा करके ये जीते हैं ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस को एजियन सागर में द्वीपों में अपनी सेना हटाने की चेतावनी। तो देखिए यहाँ पे मैं इसलिए दे दिया कि ग्रीस किसको क्या बोला वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है एजियन सागर। एजियन सागर आपको पता होना चाहिए, और अभी वैसे भी ये सारा एरिया जो है न्यूज में ब्लैक सी के अराउंड, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के वजह से और कभी कभी टर्की के वजह से भी। तो आप मैप में ये देख सकते हैं, ये है एजियन सागर। ओके, तो ये जो एजियन सागर है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहता है कि मेडिटेरियन सागर से ब्लैक, मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी में आपको जाना है तो क्या क्या पार करना हो, तो आप मेडिटेरियन सी से पहले एजियन सागर में जाइएगा। फिर यहाँ पे एक जो जगह छोटा सा दिख रहा है ये सी, ये है सी ऑफ मरमरा। फिर ये जो स्ट्रेट है वो बॉस्पोरस स्ट्रेट है, और उसके बाद जो है वो ब्लैक सी है, और टर्की जो है इस्तांबुल वो यूरोप के साथ पड़ता है, टर्की की राजधानी, और इस साइड जो है वो एशिया पड़ता है। तो ये आपको मोटा मोटी याद रखना चाहिए मैप में, यूपीएससी बीपीएससी किसी के भी मैप बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है। चलिए, हाल ही में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश किया गया यूएस के द्वारा, तो उसमें अमेरिका का जो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लगातार 11वीं वर्ष टॉप पे रहा। दूसरा स्थान पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये मैसाचुसेट्स, दूसरा कैम्ब्रिज, और तीसरा है इंडिया में कौन कहा। तो इंडिया में इस साल ISC बैंगलोर जो है उसको 155वां स्थान मिला है। ओके, लास्ट ईयर ISC बैंगलोर जो था वो पिछड़ गया था IIT बॉम्बे से, बट इस साल फिर से वो आ गया ऊपर, तो 155वां स्थान, और उसके बाद फिर IIT बॉम्बे है। तो आप एटलीस्ट ये दोनों याद रखिएगा। फिर है दिल्ली जिला प्रशासन के द्वारा नन्ही परी, तो नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें क्या किया जाएगा कि विभिन्न कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही जगह पर आपको पूरा बर्थ सर्टिफिकेट और उससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज है वो मिल जाएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एक और प्राधिकरण केंद्र, ये जो है प्रधानमंत्री ने 10 जून को अहमदाबाद के भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय का उद्घाटन किया था, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एजेंसी क्या करेगी, तो ये जो है एक नोडल एजेंसी की तरह होगी जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं का उपयोग की अनुमति देगी, तो एक तरह से ब्रिज का काम करेगी, किसके बीच में, इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मगहर, मगहर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर एकादमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तब इनसे रिलेटेड जो प्रसिद्ध कृति है विजय साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, जो कि संत कबीर के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए कि ये किसने लिखा है, तो विजय सबसे इंपॉर्टेंट इसमें विजय होता है। उनके छंद जो है वो सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें भी शामिल किया गया है। फिर है संत संवदा, तो ये क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उस समय में वहां से हम लोगों की मूर्तियां जो है जिस किसी भी तरह से ब्रिटिश के द्वारा या किसी और के द्वारा यहाँ से ले जा करके उनके देश में चला गया था, उनको फिर से भारत सरकार दोबारा वापस ला रहे हैं और संबंधित राज्य सरकार को सौंप रहे हैं, तो इनकी मूर्ति जो है वो तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 1992 में इसका
स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था वहां से शुरुआत हुआ है। और इसका थीम क्या था इस साल का, तो ओनली वन अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत द्वारा पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि COP26, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुआ था इस ग्लासगो में, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, तो ये आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है, हर साल अमरनाथ यात्रा के खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला कहाँ होता है, कश्मीर में हिंदुओं के द्वारा एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पे कश्मीरी पंडित लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है उसका नाम है राग्या देवी, ठीक है, उनको समर्पित ये मंदिर है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक फिर से बढ़ गया है कश्मीरी पंडितों पे, तो वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सिक्योरिटी फोर्स की व्यवस्था की गई है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको नाम पूछ सकता है कि खीर भवानी मेला कहाँ होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर। 6 जून को वर्ष 1997 में क्या हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन हुआ, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अभी पूरा 25 साल हो गया। बैंकॉक डिक्लेरेशन से क्या बना है, तो आज जो हम लोग बिम्स्टिक देख रहे हैं उसका इनिशियल रूप जो है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही आया, शुरुआत में इनका नाम था बिस्ट ईसी। ओके, क्योंकि उस समय में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका एंड थाईलैंड यही थे, बाद में इसमें नेपाल और भूटान जुड़ गया और म्यांमार भी जुड़ गया, और इसके बाद इसका नाम द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। हर साल 8 जून विश्व ओशियन डे के रूप में मनाया जाता है, और इस साल जो था उसका थीम था कि पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। उसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अभी समय, तो ये अंकटाड इसको बोलते हैं, ठीक है, अंकटाड के द्वारा अपनी वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया गया, और उसमें भारत को 7वां पोजीशन पे लिया गया, और भारत जो है एक स्थान पर से ऊपर आया है, भारत पहले 8वां पोजीशन पे होता था तो अब ये 8 से 7 पे आ गया है। शीर्ष में अभी भी जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहा है, उसके बाद चीन और हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट हो गया है जो कि ड्रोन नीति की मंजूरी देने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया, और जन समर्थ क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एकल प्लेटफॉर्म है जिसमें 13 क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जैसे कि अभी जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें 13 ऐसी स्कीम है जिसमें डायरेक्ट हम लोगों को सब्सिडी दी जाती है, तो सारे को एक जगह पे जोड़ा जाएगा इस प्लेटफॉर्म के मदद से, तो जन समर्थ पोर्टल। भारत वियतनाम ने पारस्परिक लॉजिस्टिक लेमुआ कोमकासा ये सब सुने हैं आप यूएस के साथ, तो उसी तरह से लेमुआ की तरफ पे यहाँ पे भी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिससे क्या होगा कि इन दोनों देश के सेनाएं आपस में अपने जहाज को मरम्मत के लिए किसी एक दूसरे देश के जो नेवल बेस होगा वहां पे ला सकते हैं। आर प्रज्ञानंद जो है नॉर्वे में ये बहुत फेमस हुए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने वर्ल्ड नंबर वन मैग्नस कार्लसन को हराया, तो वो जो है नॉर्वे में जो शतरंज का टूर्नामेंट ग्रुप ए हुआ है उसका खिताब जीत गया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को हर साल मनाया जाता है, और इससे बेसिकली हम लोगों को ये बताया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए कि बाल श्रम जो है वो ठीक नहीं है, उसे बंद होनी चाहिए। मयंक अग्रवाल जो है उनको प्रसार भारती का सीईओ के रूप में नामित किया गया है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड ये सारे देश जो होगा यूएनएससी का अभी नॉन परमानेंट मेंबर जो गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, और ये सारा जो है अगला साल 1 जनवरी से भारत का और आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे का जगह है। ये क्वेश्चन हम इसलिए डाल देंगे, इस बार बीपीएससी में आप देखे होंगे कि डेट देख करके पूछ लिया था कि किस डेट से को ये भारत जो है वो यूएनएससी का अध्यक्ष बना था, आप देख सकते हो 2 साल का टर्म होता है, 1 जनवरी को ये खत्म हो रहा है, इससे पहले यानी अगर आपको ये इतना भी न्यूज पता रहता तो आप क्वेश्चन कर देते, इससे 2 साल पहले हम लोग हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है अपना फटाफट सेक्शन में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जस्ट एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता, मेघालय। उसके बाद है जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टैंप की जगह ई स्टैंप लाया, कौन सा, पंजाब सरकार।
है कि आईएसएस एफ निशानेबाज चैंपियनशिप में सिल्वर पदक किसने जिताया था? अंजुम मोदगिल। विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जून को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप, तो बीच विजिल ऐप कौन सा किया है? गोवा। हाल ही में जिस देश ने चांद पे न्यू वो वैज्ञानिक मानचित्र जो है जारी किया है, कौन सा किया है? चाइना। विराट कोहली का इंस्टाग्राम पे 20 करोड़ फॉलोअर हो गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून को जिस देश से 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है, तो वो वियतनाम। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद है जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्री कृष्ण निवासन। ग्लोबल स्ट्रेटजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मुक्काविली। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो राजस्थान। ऑब्वियसली जो कांग्रेस राज्य में वही देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कौन है? अभी इसका गवर्नर शक्तिकांत दास। अभी रेपो रेट को कितना प्रतिशत से बढ़ाया है? 0.50, ओके, 20 पॉइंट इसको बोला जाता है। आलोक कुमार चौधरी जिस बैंक में नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार लेंगे, वो क्या है? SBI। MD बनाए गए हैं। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे जिस दिन मनाया जाता है, वो कौन सा दिन है? 8 जून। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर यहाँ बनाया जाएगा चंडीगढ़। भारत के जितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद तीन कितने साल हो गए? उल्टा लिखा गया है। 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज निशान, इसका नाम याद रखे, और अच्छा है तो सेवा मुक्त कर दिया गया है 32। तो ये 32 साल नहीं भी याद रहे, लेकिन निशान का अच्छा है आपको याद होनी चाहिए। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है? 7 जून को। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले से सक्षम जिस बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि परीक्षण किया, वो कौन सा है? अग्नि 4। और वो कहाँ से? ओडिशा से। हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास ले लिया, वो किस खेल को खेलते थे? तो वो बैडमिंटन खेलते थे। 22वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा किसको सबसे बेस्ट पुरस्कार दिया गया है? अभिनेता ग्रुप में विक्की कौशल। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली एफ हॉकी एफएस, तो ये क्या है? हॉकी का T20 मैच है, छोटा फॉर्मेट में खेला जाता है, पोलैंड को हराया है। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में जो है कौन सा पैरा शूटिंग में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीती है? तो वो अवनी लखेरा। इन्हें कल भी कुछ मिला है कोई अवार्ड, बट जब हम वीडियो बना रहे थे उससे पहले मैं उसको नहीं ले पाया, बट अब ये याद रखे 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इनको ऑलरेडी गोल्ड मिल चुका है, दूसरा गोल्ड भी इन्हें मिला है। विश्व भूगर्भ जल दिवस यानी ग्राउंड वाटर डे कब मनाया जाता है? 10 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई, तो वो कौन किया है? सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कौन सा दूर संचार ऑपरेटर पैंगोंग क्षेत्र में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है? तो ये रिलायंस जियो। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु। किस देश को अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल किया गया? भारत को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये धर्मशाला में होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है उसमें सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है एतु मंडल। ये इंपॉर्टेंट है। पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय तो कौन बनी है? श्रेया लोका। भारत ने डिजिटल भुगतान किस वर्ष तक 3 गुना बढ़ाने की उम्मीद लगाई है? 2026। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने तय सीमा से पहले पेट्रोल को 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया? तो भारत। और अगला टारगेट अपना 20% का। किसे जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो भारतीय रेलवे को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या रखी गई थी? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। बाल्टिक सागर में किस संगठन ने बाल्टो, तो ये कौन सा किया है? नाटो। इसरो के अध्यक्ष जो है वो कौन है? डॉक्टर एस ओमनाथ ने क्या किया है कि एरोस्पेस पार्क की नई अंतरिक्ष यान का निर्माण सुविधा उद्घाटन किया? कहाँ पे? कर्नाटक बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है पूर्ण रूप से? तो ये लगा दिया है पंजाब। किसने बॉलर
तुरलिक नोव कप कुश्ती टूर्नामेंट के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीता है, तो ये याद रखिएगा कि अमन सहरावत, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये कुश्ती का टूर्नामेंट होता है, ये नाम जो है तोराट पटा सा है, इसको याद रखिएगा। जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो अमनदीप सिंह गिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। राहुल श्रीवास्तव जो है, नाम से लगता है यूपी का, लेकिन ये यूपी के नहीं है, ये है तेलंगाना के। तो राहुल श्रीवास्तव जो है वो 74वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले कौन बना है? भारत सुब्रमण्यम 73वां। और पहला ग्रैंड मास्टर कौन बना था? विश्वनाथानंद 1988 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 13 जून को अंतरराष्ट्रीय एल्विनिज जागरूकता, ये क्या होता है? एक तरह से रंगहीनता होता है, तो उसका डे कब मनाया जाता है? 13 जून को। उसके बाद है, हाल ही में जिस देश ने गांजा रखना और उसकी खेती करना पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, कौन है? थाईलैंड। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना जो है वो मलक्का जल डब्लू मध्य में साथ में गश्ती अभ्यास कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, और संयोगवश जो हरियाणा का जो मेजबान टीम है वही स्टॉप पे भी पदक तालिका में रहा है। यहाँ पे पदक तालिका आप देख सकते हैं, हरियाणा को जो है 52 गोल्ड मेडल जीता है, और हरियाणा जो है लास्ट डे जो है बहुत अधिक गोल्ड मेडल जीत करके फाइनल ये लोग टॉप कर गए, फिर सिल्वर मेडल भी और फिर ब्रॉन्ज मेडल भी। सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? महाराष्ट्र। थर्ड प्लेस पे कौन सा है? कर्नाटक। तो टॉप थ्री एटलीस्ट आप याद। फिर है इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन, इसमें डेनमार्क के जो विक्टर एक्सोलोसन है वो चीन की चेन यूफेई को एकल खिताब हरा करके जीत गया। तो ये था अपना फटाफट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकैप फॉर द प्रीवियस वीक। तो प्रीवियस वीक से क्या है? संतूर वादक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, तो भजन सुपारी। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, यहाँ 10 जून नहीं होगा, तो ये जो है ये 3 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल। किस टीम के पुरुषों की हॉकी एशिया कप 2022 में जीता था? तो दक्षिण कोरिया। कितना बार दक्षिण कोरिया जीत गया ये लगा करके? 5 बार। भारत को कौन सा मिला है? ब्रॉन्ज। भारत किसको हराया था? जापान को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ACB 1440 ऐप लॉन्च किया है वो है आंध्र प्रदेश, और ये क्या है? करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से है। तो ये था अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन। चलिए, इसके साथ ही अपना और दो क्वेश्चन और रह गया है। तो फ्रेंच ओपन टेनिस में जो महिला का है वो किसने जीता? तो एगा स्टवेग। किस राज्य सरकार ने पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे लगाया? उत्तराखंड। कहाँ पे? नैनीताल में। तो इसके साथ ही अपना ये आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। अगर आपको ये किसी तरह से अच्छा लगता है वीडियो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके साथ ही आप जो प्रीलिम्स का सेक्शन ऑलरेडी मैं सीरीज चला रहा हूँ बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, वो भी देख सकते हैं, और मेंस का जो है वो भी जीएस पेपर 1 को देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।